आज मैं बनाए हूँ पालक के पकौड़े, जो हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो मैंने उसके लिए 500 ग्राम जो है पालक लिया है। पालक को मैंने अच्छे से साफ करके और धोकर काट लिया है। उसके बाद एक कटोरी के लगभग इसमें जो है हम बेसन डाल देंगे, और इसमें कुछ हल्के मसाले डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच से कम जीरा पाउडर है और आधे चम्मच से कम ही धनिया पाउडर है और आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें गरम मसाले डाले हैं। और इसमें कुछ जो है धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का जो है पेस्ट इसमें कूट कर हम डाल देंगे। इससे जो है स्वाद बहुत बढ़िया आता है। फिर उसके बाद जो है हम स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। मसाले डालने के बाद हम इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने पालक में नमक डाल दिया, इससे जो है पानी पालक खुद छोड़ेगी। और इसे जो हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो तेल यूज करते हैं उसे ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, तब हम छोटी छोटी टिक्की डालकर उसमें जो है अच्छे से तल लेंगे। इसे जो है हम मीडियम आंच पर ही तलेंगे, क्योंकि पालक जो बहुत सॉफ्ट होती है, इसे तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम से कम यह 2-3 मिनट में तल कर तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा।